नूह वायलेंस। कांग्रेस विधायक मामन खान गिरफ्तार, नूह हिंसा मामले में हरियाणा पुलिस की कार्रवाई। नूह हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान को गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार को मामन खान को कोर्ट में पेश किया जाएगा। गुरुवार को मामन खान को गिरफ्तार करने से पहले हरियाणा पुलिस ने दो बार समन किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। मामन खान ने अपने बचाव के लिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के सामने मामले को ट्रांसफर करने से संबंधित अपील भी दायर की थी। हाई कोर्ट को दी जानकारी में हरियाणा सरकार ने बताया था कि नूह हिंसा के बाद दर्ज एफआईआर में मामन खान को आरोपी बनाया गया है। इस संबंध में हरियाणा सरकार ने ये भी दलील दी कि पुलिस के पास फोन कॉल रिकॉर्ड और अन्य सबूत भी मौजूद हैं। एफआईआर में आरोपी बनाए जाने के बाद विधायक मामन खान ने अदालत का रुख किया और बताया कि नूह हिंसा के इस मामले में उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है, क्योंकि जिस दिन ये हिंसा हुई वो नूह में मौजूद ही नहीं थे। ऐसे ही पल पल की छोटी बड़ी और देश विदेश के खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी बटन दबाकर अल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि पल पल की खबर आप तक पहुंचे। जानकारी हासिल करने के लिए धन्यवाद।